वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं सुल्तानपुर लेक फर्रुख नगर के वहाँ, है ना अमन? ये अमन हमारे साथ है और एक और यहाँ है प्रिंस। तो आज हम जा रहे हैं सुल्तानपुर लेक और फर्रुख नगर में शीश महल, जहाँ की हमें स्टोरी बताएगा प्रिंस। तो गाइज हम यहाँ बीच में रुके थे क्योंकि प्रिंस को भूख लग रही थी, इसका फास्ट एक्चुअली। तो ये क्या बनवा गया प्रिंस? बनाना शेक, पी लो भाई सारे। बस यहाँ से 5-10 मिनट और लगेंगे हमें, मेरे को नहीं 20 मिनट, 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट और लगेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ सुल्तानपुर लेक एंड देन फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे फर्रुख नगर शीश महल। तब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मैं आपको काफी अच्छा व्यू दिखाने वाला हूँ हमारे सुल्तानपुर लेक का। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना मन? ये रिजोर्ट है सुल्तानपुर साइड में, एक फैमिली ट्रिप भी आप अगर आते हैं बना सकते हो बढ़िया वाली। देयर रूम्स पार्किंग ओनली रेसिडेंट। ये भी यहाँ से ये रूम्स वाला एरिया है सारा, इधर अगर हम चाहें तो मतलब इधर रुक भी सकते हैं। तो हम यहाँ इस रिजोर्ट का आपको व्यू दिखाएंगे। ये सुल्तानपुर लेक के बिल्कुल साथ में है। सुल्तानपुर लेक तो बंद पड़ा है कोविड की वजह से, अभी तो खुला नहीं है। तो अभी इधर मतलब अगर दूर से लोग आ रहे हैं इधर रुकना चाहते हैं तो रूम्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाते हैं। और इधर फिर हम आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का। तो भाई ऐसा कुछ इसका व्यू है, इधर ये वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, इधर ये कुछ विंड मिल टाइप है, पता नहीं विंड मिल है क्या है। यहाँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ओपन एरिया है, पेड़ वगैरह ज़्यादा है, ग्रीनरी एकदम बढ़िया। ये इधर टॉयलेट्स, वो उधर रूम्स वगैरह है और इधर तक। इधर वहां तक खत्म हो जाता है ये उधर रूम्स, ये पता नहीं क्या है, देखने तो काफी पुराना लग रहा है, लग रहा रॉकेट उड़ने वाला है अभी। ये सारा इधर ओपन एरिया एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी एकदम शांत शांत जगह है। ये भी पता नहीं कुछ है, पर ये नहीं पता है क्या, पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो गाइस हम यहाँ से सुल्तानपुर रिजोर्ट से 10 से 12 किलोमीटर दूर आपको शीश महल दिखाने लेके जा रहा हूँ मैं। एंड वहाँ पे जाके आपको बताते हैं मतलब वहाँ की क्या हिस्ट्री वगैरह है, क्या कुछ वहाँ पे मतलब क्या था प्रिंस वहाँ पे, कुछ आप बताओगे इनको? राजा का महल था, जो फर्रुख नगर के राजा थे फारूक खान, उनका महल था वो, और वहाँ उनके सैनिक वगैरह, उनकी रानियों के घर कमरे वगैरह, जेल वगैरह भी है जहाँ कैदियों को रखते थे। बाकी आपको वहाँ जाके एक बार दिखाते हैं फिर बताते हैं, प्रिंस आपको बताएगा कि वहाँ पे क्या कुछ मतलब स्टोरी थी जो भी है प्रॉपरली। फर्रुख नगर का दिल्ली गेट है, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ की लोकल मार्केट है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं शीश महल, यहाँ पे फर्रुख नगर के राजा रहते थे। बाकी प्रिंस अभी ट्राई करवा रहा है कि यहाँ पे खुल सकता है या नहीं। प्रिंस बंद है दरवाजा या खुलेगा अभी? तो प्रिंस ने अभी ट्राई कर रहा है, देख सकते हो आप कि यहाँ पर लॉक है और बुलाया प्रिंस ने अभी अंदर से किसी को।
तो देखते हैं भाई, फाइनली गेट खुलवा दिया है इसने एंड अभी हमें आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट कराने होंगे अपने। ये हम एंट्री कर रहे हैं शीश महल के अंदर, तो दिल्ली से फाइनली हम अंदर पहुँच चुके हैं सुल्तानपुर लेक, हम गए नहीं अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। जो एंट्री करते हैं बैठते हैं वो महाराजा की वो थी सभा, प्रिंस हमें आप बताएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू शीश महल। शीश महल यहाँ के राजा थे फारूक खान, अब बोर्ड पे लिखा हुआ है तो पहले वाले में मतलब गार्ड्स रहते थे, मतलब सेनापति रहते थे, नीचे वो रहते थे गार्ड वगैरह, तो यहाँ पे सब मतलब सेनापति ही रहते थे। अब यहाँ पे मतलब सीढ़ियाँ थी पहले तो अब टूट चुकी है, काफी टाइम हो चुका है। ये देखो यहाँ पे मतलब अब तो जानवर ही आए हैं, मतलब पक्षी हैं यहाँ पे जो भी है। इसके अंदर एक कमरा हो रहा है, उसके अंदर एक कमरा हो रहा है, कुछ भी आ सकता है। चमगादड़ सुनवा रहे भाई, यहाँ पे चमगादड़ सुनवा बहुत कुछ घूमते रहते, तो मैं अंदर ट्राई करता हूँ जाने का आपको, बट यही नहीं जा रहा हूँ मैं, अंदर नहीं आऊंगा, अंदर अंधेरा है, अंदर नहीं है, अंदर चलो बाहर चलते हैं ना। ये होता ही क्या कहते हैं, वो भूल गया इसका नाम क्या कहते हैं, बोले तो छुपने वगैरह की नहीं जगह होती, सुरंग, ये सुरंग का रास्ता था। हाँ इधर से था और एक उधर से, एक सुरंग ये थी और एक सुरंग ये है, बट मैं अंदर नहीं गया क्योंकि काफी अंधेरा था। राजा की सभा होती थी, ये राजा की सभा होती थी यहाँ पे। चलते हैं ऊपर, यहाँ से पूरा पानी का फ्लो आता है पीछे से पूरे यहाँ तक। इधर 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 बताओ, इनको बताओ। हाँ जी बताओ क्या करें, यहाँ से देखो यहाँ से पूरा पानी का फ्लो आता था, मतलब इधर से पानी का फ्लो आता था पूरा, यहाँ से पानी का फ्लो स्टार्ट होता था एंड वो वहाँ तक एंड तक जाता था, यहाँ तक। ये राजा की सभा होती थी यहाँ पे, ये सैनिकों के कमरे हैं अंदर, मंत्री संतरी बैठते थे, मंत्री बैठते थे यहाँ पे, यहाँ पे मतलब पूरी सभा बैठा करती थी इनकी। ये देखो गाइस, ये एक सुरंग है, ये गुफा जा रही है एंड हम आपको लेके चल रहे हैं अंदर, देखते हैं कहाँ निकल चुके हैं, नहीं नहीं निकली आगे तो वापसी आ जाएंगे। ये गुफा जाती थी वहां पे गोल बावड़ी, ये जहाँ पे दिल्ली के अंदर अपना बोर बावली है, ये वहाँ जाके निकलती है, बट ये बंद कर रखी है तो इसलिए हम याद आगे जाएंगे।